बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज रिफा जहान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज अगेन द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस टॉपिक एंड दैट इज सम कॉमन डिजीजेस रिलेटेड इन न्यूट्रिशन। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 12 का हम लास्ट पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने डिजीजेस डिस्कस करनी है, वो डिजीजेस जो कि न्यूट्रिशन रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्केच आपको दोबारा रिवाइज करवा दूँ। ऐसा है कि अब तक हमने जो 5 डिजीजेस हैं जो कि न्यूट्रिशन रिलेटेड है, उनको डिटेल से डिस्कस कर लिया है। आज हमने अपनी आज की लेक्चर वीडियो में 6th डिजीज जो कि सेकेंड लास्ट डिजीज है इस पोर्शन की, पायल्स, उसको डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद अल्सर रह जाएगी, हमारी लास्ट डिजीज है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए जी, मूव ऑन करते हैं फर्दर। वहां से जो है वो पाइल रिलेटेड डिटेल डिस्कस करते हैं। ऐसा है कि पाइल्स को हम हीमोरॉइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोरॉइड्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि इसको मैं आसान कर देती हूँ। अगर हम पाइल्स की बात करें तो पाइल्स को उर्दू में बवासीर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि बवासीर क्या है, क्योंकि आपने सुना होगा इस बीमारी के बारे में। ऐसा है कि थोड़ा पिक्चर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम पाइल्स की बात करें, बवासीर की बात करें, तो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें बैक में ब्लड फील होता है, ब्लीडिंग फील होती है। होता क्या है, ये एक पेनफुल प्रोसीजर है। पेनफुल प्रोसेस क्यों है, इसमें होता क्या 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 चेंजेस होते हैं, वो समझने के लिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर शो किया है। ये थोड़ा सा विजिबल स्ट्रक्चर है। ऐसा है कि ये ना रेक्टम दिखाया गया है। रेक्टम क्या है? रेक्टम बेसिकली ऐसा पाउच है, ऐसा बैग है, जहाँ हमने कहा था टेम्परेरी जो हमारा वेस्ट है या फीसिस है वो स्टोर होती है। अब इस बीमारी में होता क्या है कि रेक्टम वाले पॉइंट में ना, अगर हम ये देखें ना, तो ये इन्होंने बेसिकली पाइल्स शो किया हुआ है। अच्छा, पाइल्स में होता क्या है कि ये रेक्टम है ना, रेक्टम की दीवारों में ना वेन्स जो है वो फूल जाती है, सूज जाती है और उनका एक गुच्छा बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ आप समझ जाए कि वेन्स जो है वो फूली हुई है। ठीक है, गुच्छा बन गया। अब ऐसा है कि आपको पता है कि यहाँ टेम्परेरी वेस्ट स्टोर, अब वेस्ट ने जाहिर है रेक्टम से होते हुए एनस वाले पॉइंट से एलिमिनेट होना होता है, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होना होता है। अब ऐसा है कि यहां जो है ना, ये फूली हुई नाड़ों का या फूली हुई वेन्स का जो है वो गुच्छा है। सो जैसे ही फीसिस यहां से गुजरेंगी, अगर इनसे टकराएंगी तो जाहिर है पेनफुल प्रोसीजर होगा, पेनफुल प्रोसेस है ये, दर्द महसूस होगी। ठीक है, अच्छा, लेट्स सपोज कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, या उस मरीज को जिसको पाइल्स है उसको कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, हमने कहा था कब्ज होती है, जिसमें बड़ी हार्ड फीसिस जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। अब जब हार्ड फीसिस यहाँ टकराएंगी तो जाहिर है चांसेस हैं कि ये जो वेन्स है ना सिर्फ दर्द करें बल्कि फट जाएं। अब जैसे ही फूली हुई वेन फट जाएंगी, आपको पता है यहाँ से जाहिर है ब्लड ने फिर रिमूव होना, ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो बवासीर वाली कंडीशन में बैक से हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है रेक्टम, उससे फिर जो है वो ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ब्लीडिंग होती है, वहां जो है वेन्स का गुच्छा फूल जाता है। जैसे ही फीसिस टकराएंगी, दर्द महसूस होगी, तो एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। समझ आ गई? अब आते हैं हम अपनी पॉइंट्स की तरफ। फिर जो है वो सारी सारी डिटेल आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। पाइल्स को हम हीमोरॉइड्स भी बोलते हैं। इसमें ये होता है कि मैसेज मैसेज कहते हैं बहुत ज्यादा डेलिकेटेड, कहते हैं फूली हुई। ठीक है, टॉर्टुअस वेन्स का मतलब होता है कि बाल खाती हुई। ठीक है, एक गुच्छा बन जाता है बाल खाती हुई वेन्स का, और कहाँ बनता है? ये बनता है एनोरेक्टिक म्यूकोजा में। अब एनोरेक्टिक म्यूकोजा क्या है? म्यूकोजा जो है वो बेसिकली हमने कहा था कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, उसकी सबसे इनर जो वॉल होती है जिसमें म्यूकस मौजूद होता है, उस वॉल को हम, या उस इंटरनल लेयर को हम म्यूकोजा बोलते हैं। म्यूकोजा से आपने म्यूकस हिंट ले लेना, म्यूकस क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक की इंटरनल जो लेयर है या इनर जो लेयर है उसमें मौजूद होता है, यही वजह है कि हम जो इंटरनल लेयर है उसको म्यूकोजा बोलते हैं। सो क्या होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक में, अब जरूरी नहीं कि रेक्टम वाले पॉइंट में, कहीं भी डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर म्यूकोजा वाली लेयर में कुछ डेलिकेटेड टॉर्टुअस वेन्स जो है वो गुच्छा बना लें, तो उस कंडीशन को हम पाइल्स बोलते हैं। अब ऐसा है कि जो मैसेज है ना, मैसेज का मतलब वो वेस्ट है, वो फीसिस है जिन्होंने एलिमिनेट होना है बॉडी से। कहते हैं कि अब जैसे ही जो वेस्ट है इन्होंने यहाँ से एलिमिनेट होना है, ये टकराएगा इन वेन्स के साथ, जैसे ही टकराएगा वो फट जाएंगी। ठीक है, ये रप्चर होंगी या फिर थोड़ी थोड़ी रगड़ लगेगी, उनको थोड़ा डैमेज होगा वो वेन्स का गुच्छा, तो फिर क्या होगा, वहां से ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग ड्यूरिंग बॉवल मूवमेंट, बॉवल का मतलब होता है वेस्ट, जो वेस्ट है अगर उसने बॉडी से एलिमिनेट होना है और अगर वो इन वेन्स के साथ टकराएगा, ये फटेंगी तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो बवासीर में ब्लीडिंग भी देखी जाती है, ये बवासीर की सीवियर कंडीशन होती है। समझ आ गई? अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि अब ना इसका ताल्लुक है कॉन्स्टिपेशन से। अच्छा, जिस बंदे को कॉन्स्टिपेशन नहीं है उसको पाइल्स है, तो लाजमी चांस है कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी।
क्यों वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। कहते हैं कि सिचुएशन अगर खराब हो जाए, बहुत ज्यादा खराब हो जाए, तो फिर पेशेंट जो है वो फिर एक और कंडीशन से गुजरता है जिसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो पायल्स का और कॉन्स्टिपेशन का बड़ा ताल्लुक है, या तो कॉन्स्टिपेशन पहले होगी फिर पायल्स होगा, ठीक है, या फिर अगर पेशेंट को सिर्फ पायल्स है तो उसके बाद उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। इसका मैं आपको जो है वो आगे बता भी देती हूँ क्यों होता है ये। कॉन्स्टिपेशन का कैसे ताल्लुक है पायल्स के साथ, ऐसा है कि पायल्स वाली कंडीशन में मैंने आपको कहा कि बड़ा ही एक पेनफुल प्रोसीजर है जिससे बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं अपने वेस्ट को, ठीक है। अब ऐसा है कि जब दर्द होगी, ठीक है, क्योंकि वेस्ट एक्सक्रीट होना है तो दर्द होती है। अब जैसे दर्द महसूस होगी, ब्लीडिंग होती है, तो जो बंदा है ना, जो शख्स है जिसको पायल्स है, वो फिर कोशिश करेगा कि वो अपने वेस्ट को रोकी रखे, वो पखाने को रोकी रखता है देर तक। तो क्या होता है फिर वो जाहिर है सख्त हो जाता है, वो पड़ा रहता है तो डैमेज आता है। अब डैमेज क्या आता है कि ये जो रेक्टम है ना, ये रेक्टम और मजीद भर जाता है और ये रेक्टम जो है ये फूल जाता है। जैसे ही फूलेगा तो इनके साइड पे जो चीजें मौजूद होंगी उनको वो डैमेज करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्योंकि ये पायल्स वाली कंडीशन पेनफुल है, बड़ी ही पेन होती है जब वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है, तो होता ये है कि वो जो पेशेंट जिसको पायल्स होता है वो इस अर्ज कहते हैं ख्वाहिश को, डेफिकेशन या डेफिकेट कहते हैं कि वो पखाने को खारिज करने वाली जो उसकी ख्वाहिश है उसको रोकता है। इज डिप्रेस्ड का मतलब उसको वो फिर रोकता है, पखाने को रोकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पखाने करने जाता है उसको दर्द होती है, क्योंकि रेक्टम वाले पॉइंट से जैसे मैंने आपको बताया वेस्ट एक्सक्रीट आउट होगा, टकराएगा एक मेल्स के साथ, जैसे टकराएगा दर्द महसूस होती है और बहुत शदीद दर्द होती है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है, दर्द महसूस होती है, जिसके बाद पेशेंट जो है वो फिर जाता ही नहीं है, ये वॉशरूम वाली हाजत को जो वो रोक ही रखता है, ठीक है। क्योंकि हमने कहा कि बहुत डिफिकल्ट होता है फीसिस को एक्सपेल आउट करना पायल्स वाली कंडीशन में, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि ये नहीं एक्सक्रीट आउट कर रहा या उसको रोक ही रख रहा है क्योंकि दर्द महसूस कर रहा है, तो इस कंडीशन में ना होता यह है कि रेक्टम जो है वो फुल हो जाता है। अब रेक्टम में वेस्ट जो है भरता जाएगा, रेक्टम मैंने आपको कहा फूल जाएगा, जैसे रेक्टम फूलेगा इर्द गिर्द वाले जो स्ट्रक्चर है उनको भी इफेक्ट करेगा, तो ये एक सिम्टम है इल हेल्थ के, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, अब हमने इतना डरा दिया कि भाई इस कंडीशन में दर्द होती है, ब्लीडिंग होती है, फिर पेशेंट जो है वो अपने पखाने को ये वेस्ट को रोक ही रखता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो बहुत देर तक उसको रोक ही रख रहा है तो वो पखाना जो है वो सख्त हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है कि या तो इसकी हम एक ही थेरेपी है कि हम हाइजीन का ख्याल रखें। हाइजीन का मतलब है कि अपने खाने पीने की चीज़ों को, साफ सुथरा चीज़ों को इस्तेमाल करें, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम जो खा रहे हैं वो बैलेंस्ड डाइट लें। ज़्यादातर पायल जो है वो इस कंडीशन में भी देखा जाता है कि जब पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड अपटेक कर रहा है एक लॉन्ग टाइम से, ये तब भी होता है कि जब एक पर्सन जो है वो लॉन्ग टाइम से स्पाइसी फूड खा रहा है तब भी चांसेस है कि उसको पायल्स हो जाए। तो हाइजीन का ख्याल करना चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और साफ सुथरी खुराक खानी चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यूज फूड सॉफ्टनर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं छिलका हो सकता है, छिलका इसको बोल जैसा कि लो जी मैंने ब्रांड की जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर दी, ऐसा है कि छिलका जो है छिलका इस्तेमाल करते हैं। क्यों छिलका इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारी नालियां हैं उसमें से जो गंद अगर जमा है तो वो एक्सपेल आउट हो जाए। अगर रफेज लिखा हुआ, रफेज इन फूड का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसी खुरदरी चीज खाए, जैसा कि हमने कह दिया छिलका है, ठीक है, वो भी हमारे जो है वो अंदर नालियों की सफाई कर देता है। उसके बाद हम इसको कहते हैं फाइबरस फूड, ऐसी फूड जो उसमें फाइबर मौजूद है आप वो यूज करें, छिलका इस्तेमाल करें, उससे भी नालियां जो है वो साफ हो जाती है। या फिर आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट हो जाती है नालियां, जिससे आसानी से वो आप कह सकते हैं एक्सक्रीट कर सकते हैं हम अपने वेस्ट को, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि लक्जेक्टिव यूज करें। अब लक्जेक्टिव का मतलब होता है कि ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हेल्प करती हैं फीसिस को इलिमिनेट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं रेक्टम को खाली करने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं वो हम यूज करते हैं। क्योंकि अब पेशेंट जो है वो तो पखाने को काफी देर तक या अपने वेस्ट को फीसिस को काफी देर तक रोक ही रखता है, तो क्या करते हैं हम मेडिसिन देखते हैं, उस मेडिसिन से भी जो है वो आसानी से वेस्ट को एक्सपेल आउट करवाया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि एक और इसका ट्रीटमेंट है कि पेशेंट जो को पायल से गुजर रहा है, जिसको पायल्स है, उसको कहा जाता है कि वो हार्ड सीट पे ना बैठे। हार्ड सीट पे बैठे ना क्योंकि आपको पता है कि अगर हार्ड सरफेस टच करेगी तो अब जो रेक्टम में मौजूद वेन्स है उन पे प्रेशर पड़ेगा, उन्हें क्या पड़ेगा, उनमें प्रेशर पड़ेगा। अब जैसे ही नीचे हार्ड सरफेस है, ठीक है, हार्ड सरफेस पे बैठे हैं, अब प्रेशर पड़ रहा है इन वेन्स पे, प्रेशर पड़ रहा है तो चांसेस है कि ये वेन्स फट सकती है और फटेगी तो ब्लीडिंग होगी तो दर्द होगी, ठीक है। तो पेशेंट्स को मना किया जाता है कि हार्ड सीट्स पे ना बैठें, अवॉइड करें। उसके बाद कहते हैं कि सिवियरिटी को देखते हुए अगर ये हीमोरॉइड्स, जो कि हमने कहा था कि एक बाल खाती हुई वेंस का गुच्छा है, उसको फिर सर्जिकली रिमूव करवाया जाता है, ठीक है। अगर तो सीवियर सिम्टम्स हो और ठीक ठाक वेंस का गुच्छा बना हो, ठीक है, और वो बहुत दर्द कर रहा हो,
ठीक है, और ये वेस्ट को भी इलिमिनेट करवाने में मुश्किल हो रही हो, पेशेंट उसको रोक ही रख रहा है ताकि, क्योंकि वो वेस्ट एक्सक्रीट करेगा, टच करेगी वेस्ट जो है वो इनके साथ, और ये वेन्स का गुच्छा दर्द करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सर्जरी के लिए इस गुच्छे को ही रिमूव करवा देते हैं, अगर तो बहुत सीवियर कंडीशन हो तो। समझ आ गई, दिस इज ऑल फॉर टुडे, यही था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मजीद अगर आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी तो जरूर फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन हो वो आपको टाइम से मिलती जाए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम लास्ट अपनी डिजीज डिस्कस करेंगे, दैट इज अल्सर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।